कहा जाता है धरती मानव की नहीं होती बल्कि मानव धरती का होता है, यानी विकास मानव को केंद्र में रखकर नहीं धरती को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। जब हम इन बातों को अमल में नहीं ला पा रहे तो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा विषय हो जाता है। आज सतत विकास के 13वें लक्ष्य को लेकर बात करेंगे जिसका भी उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन का अनुभव मौसम के बदलाव, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और अधिक गर्मी, ठंड और बारिश के कारण दिखाई देता है। इस परिवर्तन में सहायक इंसानी गतिविधियां जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का बढ़ना, वनोन्मूलन यानी निरंतर बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, आवास, खेती, लकड़ी और अन्य वन संसाधनों की चाह में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे पृथ्वी का हरित क्षेत्र तेजी से घट रहा है और जलवायु के परिवर्तन में तेजी आ रही है। ऐसे ही आज विश्व भर में हजार से भी अधिक प्रकार की कीटनाशी उपलब्ध है। जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वायु, जल तथा भूमि में इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है जो कि पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित कर घातक स्थिति में पहुंचा रहे हैं। भारत ग्रीन हाउस गैसों का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और 5.3% वैश्विक उत्सर्जन करता है। हालांकि 2005 और 2010 के बीच भारत की उत्सर्जन तीव्रता में 12% की कमी आई। 2015 में भारत ने संकल्प लिया कि वह 2005 के स्तर की तुलना में अपने उत्सर्जन तीव्रता 2020 तक 20-25% और 2030 तक 33-35% कम करेगा। आज जो ग्रीन हाउस का संकट दिख रहा है यह विश्व और भारत में औद्योगिक क्रांति की देन है। कई शताब्दियों तक भारत का बेमतलब दोहन का परिणाम है। साल 1880 से 2012 तक दुनिया के तापमान में औसतन 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इसका असर यह है कि तापमान में हर एक डिग्री की वृद्धि से अनाज की पैदावार करीब 5% गिर जाती है। 1901 से 2010 तक दुनिया में समुद्री जल के स्तर में औसतन 19 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई क्योंकि गर्म होते तापमान और हिम के पिघलने से महासागरों का विस्तार हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन 1990 के बाद से लगभग 50% बढ़ा है। सन 2000 और 2010 के बीच उत्सर्जन में वृद्धि इससे पहले के 3 दशकों में से प्रत्येक की तुलना में अधिक तेजी गति से हुई है। आज लगातार उपभोक्तावादी संस्कृति और अति स्वार्थपूर्ण कॉर्पोरेट जगत को अपने नजरिए में बदलाव करने की आवश्यकता है। विकास मानव के बेकार सुखों को केंद्र में रखकर नहीं बल्कि प्रकृति को केंद्र में रखकर होना चाहिए। इसकी सीख कोरोना कालीन जीवन भी दे रहा है। जो लोग या देश भौतिक सुख के संसाधन बनाए वहीं इस महामारी ने अपना तांडव मचाया। पूरी दुनिया की समझ में प्रकृति के संरक्षण का भाव जगा है, यानी प्रकृति केंद्रित विकास के रास्ते ही SDG के 13वें लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ा जा सकता है।